ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। आज आपके गुड लक में आपका स्वागत है। हर रोज की तरह आपके समक्ष उपस्थित है आपके सितारों के चाल को बताने वाले शो को लेकर। आज रविवार का दिन है, तृतीया तिथि है और साथ साथ सकट चौथ का व्रत आज ही किया जाएगा। हम बताएंगे आपको आपकी राशि के अनुसार क्या छिपा है आपके भाग्य में, किन उपायों को कर आप जीवन में कल्याण के योग बना सकते हैं, खुशियों का आगमन करा सकते हैं और संतान की तरक्की के योग बना सकते हैं, आपके करियर में किस प्रकार से ऊंचाई प्राप्त हो सकती है। ये सारी बातें आज के शो में आप सब जान पाएंगे। साथ साथ व्यक्तिगत रूप पे भी आप अपनी राशि और आपके प्रश्नों का निदान भी जान सकते हैं। उसके लिए आपके टीवी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, उस पर आप तुरंत व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम देंगे आपको आपकी समस्याओं का निदान। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। आज रविवार का दिवस है, माघ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है जो रात को 8:28 तक विद्यमान रहेगी, तदुपरांत चतुर्दशी रहेगी। देखिए, सकट चौथ का व्रत आज ही किया जाएगा जो संतान की उन्नति के लिए होता है, क्योंकि चांद जो आज दिखाई देगा रात्रि में वो दिखाई देगा दिल्ली के समय की बात करें तो 8:42 पर। तो जिस समय चांद दिखाई देंगे उस समय चतुर्थी रहेगी, तो इसलिए सकट चौथ का व्रत आज करना श्रेयकर है। वही बात कर ले नक्षत्र की, तो आज बेहद खास नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र विद्यमान है और शोभन योग विद्यमान है, शुभ कार्य करने के लिए अच्छा दिन है। मांबे करेंगे कल्याण। अब बात कर लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त की। आज का शुभ मुहूर्त का समय है शाम को, यानी शाम के समय 7:49 से मध्य रात्रि तक शुभ योग विद्यमान रहेगा, सर्वार्थ सिद्ध योग ये समय है। इसलिए कोशिश ये करें कोई कार्य आरंभ करना है तो इस समय का लाभ लें। बात कर लेते हैं आज के राहु काल की और साथ साथ भद्रा की भी। आज भद्रा विद्यमान है, सुबह 9:21 से लेकर रात्रि में 7:48 तक रहेगी और राहु काल का समय भी आपको नोट कर लेना चाहिए, 4:35 से लेकर 5:55 तक राहु काल रहेगा। इस समय को कोई भी शुभ कार्य करने से बचने का प्रयास कराना चाहिए और साथ साथ भद्रा के काल में कोई भी कार्य आरंभ करने से कहीं ना कहीं विघ्न उपस्थित होता है, बहुत आवश्यकता है यदि कार्य आरंभ करना है तो। मंत्र है भद्राय नमः, इस मंत्र का जप कर आप लाभ ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस कार्यक्रम के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की, राशियों की। जी हां, आकाशीय पार्लियामेंट में ग्रहों का खेल कैसा है वो सारी खबर लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की। मांबे करेंगे कल्याण। मेष राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से विजय के योग दिखाई देते हैं, जीत का पूर्वाभास मुझे दिखाई देता है, आपको पहले से होना चाहिए, मेलजोल बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, भविष्य के लिए लाभदायक दिन रहेगा आज। सफेद तिल का दान करें, देखिए सकट चतुर्थी है और गणेश जी की आराधना करें, सब काम शुभ हो जाएंगे। मांबे कल्याण अवश्य करेंगी। आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहा है, राशि के बारे में जानना चाहते हैं या कोई भी है प्रश्न या दिखा है कोई स्वप्न, व्हाट्सअप करें, निदान आपको प्राप्त होगा। एक व्हाट्सएप मैसेज आया है बठिंडा से राजीव जी का। राजीव जी कहते हैं उनकी कुंडली के अनुसार से उन्होंने जो डिटेल देखी है उसको देखते हुए लगता है कि भाइयों के साथ कोई विवाद खड़ा हो गया है, अननेसेसरी मन में परेशानी के योग बन रहे हैं, मानसिक पीड़ा से उनको समय झेलना पड़ रहा है। देखिए, परिवार में सामंजस्य ना हो तो काफी मन दुखी होता है, द्रवित होता है, तो इसलिए आपकी कुंडली को देखकर इस प्रकार से मुझे अनुभव होता है कि जो ग्रह योग बता रहे हैं कि ये ग्रहों का प्रभाव है जो आपके मन में इस प्रकार के शंकाएं उत्पन्न कर रहा है और जीवन में इस प्रकार की परेशानी उत्पन्न कर रहा है। जो भी लोग, हमारे तमाम दर्शक ऐसी समस्याओं से ग्रसित हैं, आज बहुत अच्छा दिवस है, सकट चौथ। जी हाँ, संकटों को हरने वाली चतुर्थी है आज और ऐसा योग, जब जीवन में ऐसे योग बन जाए कि परिवार में शांति हो ही नहीं पा रही है तो इस प्रयोग को लगातार करने से धीरे धीरे परेशानी दूर होती है। सकट चौथ के दिन से गणेश जी का पूजन आरंभ करें और हर मास इस प्रकार से उनका पूजन करें, षोडशोपचार दूर्वा उन्हें समर्पित करें, ओम गंग गणपतये नमः, और सद्बुद्धि का आशीर्वाद मांगे और घर के अंदर कोशिश करें, एक उपाय हर हफ्ते कोशिश करें कपूर के द्वारा गणेश जी की आरती किया करें, उससे पॉजिटिव वातावरण बनेगा, घर से परेशानी दूर होंगी, कलह की स्थिति धीरे धीरे घर से बाहर निकल जाएंगी, नेगेटिव एनर्जी हटकर पॉजिटिव का वातावरण आपके घर में बनेगा। मांबे करेंगे कल्याण। बात कर लेते हैं राशि नंबर 2 वृक्ष राशि वालों की। आज घरेलू जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ती दिखाई दे रही हैं, मानसिक तनाव थोड़ा परेशान जरूर करेगा लेकिन राहत मिलने के योग है, मन प्रसन्न रहेगा, शांत रह के कार्य करेंगे तो ठीक से पूरा अवश्य कर लेंगे, ऐसा योग भी बन रहा है। भगवान गणेश की उपासना करें, पीले पुष्प ने समर्पित करें, भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं राशि नंबर 3 मिथुन राशि वालों की। मांबे करेंगी कल्याण। जल्दबाजी से परेशानी होने के योग दिखाई देते हैं, ठीक से कार्य पूरे नहीं कर पाएंगे,
हरे रंग से लाभ होने के योग हैं, परंतु काले रंग के कारण नुकसान हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। राशियों में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं असम से आए एक व्हाट्सएप मैसेज की। गौरव जी का मैसेज है, पिछले 5 साल से वो चाह रहे हैं कि घर में वाहन का सुख हो, वो नहीं प्राप्त हो पा रहा है। देखिए, सबसे पहले आपकी परेशानी का हल मैं आपको दूंगा, लेकिन जन्मपत्री देखकर मुझे जो दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोगों के मन में भी यही शंका होती है, पर सपना होता है कुछ चीज़ प्राप्त हो जाए, परंतु ग्रहों का योगा योग जब आएगा तभी तो आपके जीवन में वो कल्याण का योग बनेगा। तो आपकी कुंडली को देखकर लगता है कि बहुत जल्द आपका सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। और जिनको जीवन में इस प्रकार की समस्या हो वाहन प्राप्त करने के लिए, तो याज्ञवल्लक जी के द्वारा एक बताया गया दिव्य उपयोग है कि सोमवार के दिन नहा धोकर भगवान शिव के मंदिर में दही के द्वारा अभिषेक करने से और चमेली के पुष्प, सफेद पुष्प उन पर समर्पित करने से बहुत जल्द घर में वाहन का सुख प्राप्त होने के योग बनते हैं। तो इसलिए शास्त्रों में अनेक उपाय बताए गए हैं, उन सबको लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो यदि आपके मन में भी कोई आशंका है, जो इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, उसका कैसे बनेगा रास्ता, व्हाट्सएप आपके नंबर पास है, आप कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेज भेजें, हम आपको देंगे निदान। आगे बढ़ते हैं, कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से आज सुखों में वृद्धि होने के संकेत मिल रहे हैं। पुराने मित्रों से मुलाकात होगी, साथ साथ स्वास्थ्य, थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है स्वास्थ्य के प्रति, जितना करें नमक का दान करें आज के शुभ योग में मां अंबे कल्याण करेंगी। बात कर लेते हैं राशि नंबर 5 सिंह राशि वालों की। मां अंबे करेंगी कल्याण, इस बात से ध्यान रखिएगा कटु शब्दों का प्रयोग ना करें। आज इस बात को कर यदि हुई आपके द्वारा तो आपकी परेशानी बढ़ेंगी, दोस्त भी आपसे रुष्ट हो सकते हैं। किसी बड़े के कारण लाभ होने के योग दिखाई देते हैं, भगवान सूर्य को प्रसन्न करें, उन्हें अर्घ समर्पित करें, कल्याण होगा। बात कर लेते हैं सिंह के बाद कन्या राशि वालों की। मां अंबे करेंगी कल्याण, देखिए आपकी राशि के अनुसार से बना भी शुभ योग है, यश प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं, परंतु साथ साथ मन की थोड़ी बेचैनी जो है बढ़ती दिखाई दे रही है। कोई आपका अपना, जी हाँ, जिस विश्वास पात्र है वो शायद जो कह रहा है वो कर ना पाए, उससे धोखा मिल सकता है, सतर्क रहें, ज्यादा विश्वास ना करें, अपने बाहुबल पर विश्वास रखें, पीले वस्त्रों का दान करें, परेशानी कम होगी, मां अंबे का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। राशियों के संबंध में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं बड़े एक इम्पोर्टेंट सेक्शन की। जी हाँ, एक ऐसा सेक्शन जिसके लिए लोग सबसे ज्यादा हमें मैसेज करते हैं, वो है स्वप्न विज्ञान। सपने बताते हैं, भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास देते हैं और ज्ञान देते हैं। अभी एक व्हाट्सएप मैसेज आया है हमारे पास सहारनपुर से अजय जी का। उनका कहना है कि उन्होंने सपने में देखा कि लाल वस्त्र वे पहन रखे हैं और जानना चाहते हैं इसका फल क्या है। बहुत सारे लोग इस प्रकार का सपने देखते हैं। देखिए, स्वप्न विज्ञान के अनुसार से क्या कुछ घटने वाला है उसका पूर्वाभास आपके स्वप्न दे देते हैं। तो जो इन्होंने लाल वस्त्र पहने हुए अपने आप को देखा, शुभ है, चिंता ना करें, आपके जीवन में इसका मतलब है कुछ लाभ होने वाला है, कोई घर में धनलक्ष्मी कृपा होने के शुभ योग बन रहे हैं, मन प्रसन्न हो जाए, इसलिए इस सूचना आपको मैंने दे दी है। कोशिश ये करें, मां अंबे करेंगे कल्याण, मां अंबे का आशीर्वाद लें, सब शुभ पे और अच्छा होगा। अब बात कर लेते हैं एक और व्हाट्सएप मैसेज की, जो आया है बिलासपुर से। एमपी के बिलासपुर से त्रिभुवन जी ने हमें मैसेज भेजा है और उन्होंने बड़ा विचित्र प्रकार का स्वप्न देखा। देखिए, स्वप्न है बड़े विचित्र प्रकार के भी होते हैं। उन्होंने देखा अपने आप को कि गंदगी के ढेर पर बैठे हुए देखा, जिस प्रकार से ये स्वप्न किसी प्रकार भी शुभ नहीं है साहब। देखिए, स्वप्न जो दे रहे हैं इस बात को दिखा रहे हैं कि आगे भविष्य में आपको किसी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, कोई स्थितियां मुश्किल बन सकती हैं, कोई मुश्किल स्थिति आपको ऐसे घेरने के योग बना सकती है। तो इसलिए खास तौर पर ध्यान रखें, अपने ग्रहों को उपचार करने का प्रयास आपको करना चाहिए। उसके लिए खास तौर पर एक मंत्र दे रहा हूं, उसका जप करें, ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करें, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर उन्हें मक्खन मिश्री का भोग लगाएं, परेशानी कम होंगी। इसलिए इस प्रकार से स्वप्नों का क्या भविष्य है हर रोज हम आपको बताते हैं। आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहा हो, आपने कुछ देखा हो और मन में दुविधा हो, तो आप व्हाट्सएप मैसेज करें, हम देंगे आपको निदान। राशियों में भी आगे बढ़ेंगे, उससे पहले बात कर लेते हैं एक और व्हाट्सएप मैसेज की। नागौर से मैसेज आया है अंजू जी का। अंजू जी का प्रश्न जो है उनके बेटे के स्वास्थ्य के संबंध में है। उन्होंने लिखा है कि बेटे का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं रहता, आए दिन किसी ना किसी कारण से वो बीमार रहता है। अंजू जी और साथ साथ बहुत सारे जातक जो इस प्रकार कार्यक्रम देख रहे हैं, उनके जीवन में ऐसा ही प्रश्न, ऐसी परेशानी चल रही है, बच्चे या घर में एक ऐसी परेशानी है कि इस बच्चे स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं। नोट करें,
आज बहुत सुंदर तिथि है सकट चौथ। माए अनादिकाल से हमारी माता गण इसी व्रत दिन व्रत करती हैं और बच्चों के जीवन में शुभ चाहने के लिए संकल्पबद्ध होकर आज व्रत रखती हैं और चंद्र दर्शन करने के उपरांत उस व्रत का पारायण करती हैं। तो बहुत शुभ योग है। तो आज से लेकर हर कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन मैं आपको बता रहा हूँ इस उपाय को करें, चंद्र दर्शन देकर अर्घ दें और व्रत रखें, थोड़ा सा जल जो चंद्र को दे रहे हैं उस जल को बच्चे पर छिड़क दिया करें। आपके संकल्प से आपकी शक्ति से देखिए शुभ योग बनेगा और धीरे धीरे भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन में बच्चे के जीवन में स्वस्थ होने के योग बनेंगे। मां अंबे करेंगे कल्याण। अब बात कर लेते हैं राशि नंबर 7 तुला राशि वालों की। आज संपर्कों का लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं, आगे बढ़ने का नया रास्ता प्राप्त हो सकता है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन में वृद्धि का अवसर आपको प्राप्त होगा। बस एक बात का ध्यान रखना है, काले वस्त्र आज धारण ना करें तो शुभ होगा। वृश्चिक राशि वालों की किस्मत का हाल क्या है जान लीजिए। मां अंबे करेंगे कल्याण। आज बेकार कारणों से तनाव बढ़ सकता है, पुराने काम बनते नजर आ रहे हैं, शांति के और लाभ के योग भी हैं, परंतु उसके लिए करना होगा आपको उपाय, श्री गणेश को मोदक समर्पित करें, गणेश चतुर्थी का लाभ लें। साथ ही आपकी कुंडली में भी कोई ऐसा प्रश्न है, कोई ऐसी समस्या है जो आपको निदान नहीं प्राप्त हो पा रहा है जिसका, तो उसके लिए आपके सामने व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज भेजिए, निदान आपको प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। मां अंबे करेंगी कल्याण। आज का दिन आपके लिए सुखद साबित होता दिखाई दे रहा है, कोई उपहार मिलने के योग दिखाई देते हैं, उन्नति के मार्ग भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। साथ साथ परिवर्तन का समय जा रहा है, ग्रहों का परिवर्तन है, स्थान परिवर्तन के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। एक उपाय करें, शनि को पसंद करने का प्रयास करें, शनि आपकी राशि में ऐसी जगह बैठे हैं कि थोड़ा कष्ट दे सकते हैं। पहला ग्रास निकालकर भोजन का कौवे को डाल दें, तमाम परेशानियों का हल होगा। बाकी तीन राशियों के संबंध में बात करेंगे, उससे पहले बात कर लेते हैं एक व्हाट्सएप मैसेज की। मुरादाबाद से मैसेज आया है भानु जी का। भानु जी, आप अपने कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं। जैसा आपने लिखा है कि नौकरी में मन नहीं लग रहा है, किसी बड़े संस्थान से जॉब का कोई नया ऑफर भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है और इंटरव्यू में अनेक प्रकार की समस्या हो जाती है जब आपको आता है, और बहुत सारे दर्शक भी ऐसी समस्या से ग्रसित रहते हैं, जाते हैं इंटरव्यू देने परंतु परेशानी हो जाती है। तो इंटरव्यू देने से पहले कैसे आप अपने जीवन में शुभ योग बना सकते हैं जान लीजिए। विघ्नहर्ता गणेश जी का पूजन कर लिया करें, इंटरव्यू जाने से पहले सिंदूर अर्पित करें गणेश जी को और दाएं कंधे का सिंदूर लेकर अपने मस्तक पर धारण करें, ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। एकाग्रता के साथ जप करने से अवश्य मनोकामना पूर्ति के योग बनते हैं और अच्छे संस्थान में जो आपने कहा है कि आपको जॉब चाहिए उसका भी जो इंटरव्यू होगा उसमें आपको कल्याण के योग बनेंगे। ग्रह तो बता रहे हैं कि आगे आने वाला भविष्य अच्छा है। बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मांबे करेंगे कल्याण। मगर राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से आज आपके काम बनने के योग दिखाई देते हैं, परंतु ग्राहक जो है थोड़े परेशान कर सकते हैं और इसलिए कॉन्फ्लिक्ट जहां चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, उसमें विजय होने के योग भी बन रहे हैं। शत्रु आज आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, उड़द की दाल का दान करें, कल्याण होगा। मकर के बाद अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से व्यवसायिक योजनाएं सफलता को प्राप्त होती दिखाई दे रही हैं, धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं। आपकी राशि के अनुसार से आज शांत रहें, अन्यथा सेहत बिगड़ सकती है। देखिए सेहत बिगड़ गई तो सब कुछ बिगड़ गया। छोटा सा उपाय कर लें, गुड़ का दान करें, कल्याण होगा। साथ ही आपकी कुंडली में भी आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा है कुंडली के संबंध में, तो आप नंबर स्क्रीन पे जो चल रहे हैं उन पे व्हाट्सअप करें, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो, चाहे वो जीवन में कोई शंका आपको दुख दे रही है, उसका निवारण हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से होगा। मां अंबे करेंगे कल्याण। अब बात कर लेते हैं राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि वालों की। मां अंबे करेंगे कल्याण। व्यवसाय में सुधार आता दिखाई दे रहा है, घर में तनाव रहेगा इसलिए थोड़ा तनाव को दूर करने के लिए शांति के साथ काम करें, जीवन साथी से वार्तालाप करें, अन्यथा कष्ट और बढ़ेंगे। मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होने के योग दिखाई दे रहे हैं। भगवान गणेश की आज शुभ आरती करें, ओम गं गणपतये नमः कहकर उनका जप करें, पीले पुष्प समर्पित करें, कल्याण होगा। हमने राशियों की बात करी, ग्रहों की बात करी, अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। जी हाँ, योग के द्वारा कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भी कहते हैं कि योग से हमारा शरीर स्वस्थ होता है और पूरे विश्व ने इसको लाभ उठा के देखा है। कोविड की भयावह जो आपत्ति थी उसको हमने योग के द्वारा बहुत दूर कर दिया।
आज हम बताने जा रहे हैं आपको एक बड़ा ही बढ़िया आसन है जिसका नाम है भुजंग आसन। देखिए पुरानी कहावत है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। भुजंग सर्प, वैसे तो सर्प ही है भुजंग, लेकिन जब सांप अपनी पूंछ के बल खड़ा हो जाता है तब उसको भुजंग बोला जाता है, क्रुद्ध हो जाता है। तो इसलिए इस आसन का अद्भुत लाभ है। करने का तरीका आपके समक्ष दिखाया जा रहा है कि आप हाथ के पंजों, पैरों के मंजों के बल पूरा शरीर धीरे धीरे ऊपर उठा दें और ऊपर पीछे की तरफ देखने का प्रयास करें। इससे कमर का दर्द, पीठ का दर्द, पेट की चर्बी और बैकेक, लोअर बैकेक के पेन में अद्भुत रूप से लाभ प्राप्त होता है। डाइजेशन इम्प्रूव जाता है, टांगों संबंधी बीमारी दूर होती है, आपके फ्रोजन शोल्डर में आपको लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अनेक लाभ देखिए मोदी जी किस प्रकार से आपको करके दिखा रहे हैं। और ये ऐप जो है आपको अवश्य डाउनलोड करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे घर घर में योग पहुँचे, उसके लाभ पहुँचे। कौन से आसन से किस प्रकार से लाभ होगा, ये हमारे भारत सरकार के द्वारा एक बहुत अद्भुत पहल की गई है। इसलिए योग करें, स्वस्थ रहें। योग के बाद अब बात कर लेते हैं हेल्दी टिप्स की। हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं? पूरा विश्व कोविड से ग्रस्त है और हमने कोविड को दूर भगाया है अपने पाक शास्त्र की तरफ से भी। तो हमारी रसोई में ऐसी कौन सी चीज है, आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं कड़ी पत्ते की। कड़ी पत्ता ऐसी औषधि है कि जिसके द्वारा आपका भोजन तो खासतौर पर स्वादयुक्त बनता ही है, परंतु स्वास्थ्य के साथ साथ उसमें औषधीय गुण भी इतने प्रकार प्राप्त हो जाते हैं भोजन के अंदर कि तमाम प्रकार से आपके शरीर को शुद्ध करने के योग बनाता है। ब्लड शुगर में, अनेक प्रकार की बीमारी, पेट संबंधित बीमारी में, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने में, कफ संबंधित बीमारी में उसका उपयोग होता है। साथ साथ आयरन की डेफिशिएंसी चल रही है और बहुत सारे जीवन में आपके बालों से समस्या है, बाल झड़ रहे हैं, डैंड्रफ की समस्या है, बालों की मजबूती के लिए इन सब चीज़ों का अद्भुत प्रकार से प्रयोग कर सकते। अब बात कर लेते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की, जिसका नाम है मुद्रा विज्ञान का भाग। देखिए मुद्रा विज्ञान के द्वारा कैसे आप शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, आज हम बात कर रहे हैं श्वसन तंत्र की बीमारियों के संबंध में। श्वास से संबंधित बीमारियां जब होती हैं तो कफ इत्यादि परेशानी के योग के कारण से होती हैं, और कैसे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं सांस की बीमारियों से, उसके लिए आपको करना होगा इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग। उसके लिए मैं दो मुद्राएं बता रहा हूं आपको, उनका प्रयोग करें। सबसे पहले तो प्राण मुद्रा, लास्ट की दोनों उंगलियों को अंगूठे के साथ जोड़ देने से ये प्राण मुद्रा बन जाती है, चलते फिरते इसका उपयोग कर सकते हैं, और थोड़ी देर के लिए इस लिंग मुद्रा का अभ्यास करें। ये दो मुद्राएं ऐसी हैं कि जो श्वास से होने वाली समस्या को आपको पूरी तरह से ठीक कर सकती है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर सकती हैं। तो इन दोनों मुद्राओं का, चलते फिरते, उठते बैठते इस प्राण मुद्रा का लाभ लें और बैठकर थोड़ी देर के लिए इस लिंग मुद्रा का उपयोग कर लिया करें। शरीर में उष्ण शक्ति का संचार होगा, कफ जल जाएगा और लाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमारे शो में वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। कल फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे और बताएंगे आपकी राशियों का हाल क्या है और किस प्रकार से आपका दिन कैसा जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।